ओम शांति। सभी मिलकर एक दफा ओम शांति। ज्ञान तो 7 दिन का कोर्स जब सुना तो ज्ञान समझ में आया, लेकिन ज्ञान जीवन में कैसे आ जाए? दुनिया में कहते हैं सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ हमने सब कुछ सुना लेकिन आचरण में अगर नहीं आया कोई फायदा नहीं। तो सुनने के बाद क्यों सुन रहे हो आप? क्यों सुनना चाहते हैं? ऐसे टाइम पास करने के लिए नहीं, कि अपने जीवन के अंदर जो कमियां है, जो दुख है, जो समस्या है, उसको परिवर्तन करना चाहिए। डॉक्टर के पास कौन जाता है? सभी नहीं जाते हैं। जब तक आप बीमार नहीं समझते हो तब तक डॉक्टर नहीं चले चाहिए। फ्री दवाई देता है कोई लेंगे नहीं। जब तक अपने आप को बीमार नहीं समझा तब तक डॉक्टर की जरूरत है। अब आप सोचो आपको भगवान क्यों चाहिए? शिव बाबा बड़ा है, भगवान है, हमको क्या करना है? आप बैठो खाना लाके देगा, इसके लिए चाहिए भगवान क्या क्यों चाहिए? कौन बताएगा? भाइयों में से एक कोई बताओ। भगवान आपको, शिव बाबा आया है, डॉक्टर आया है, फ्री दवाई देता है, आपको चाहिए? कोई उसका दर्शन करने नहीं जाता? हाँ, बीमार व्यक्ति है, वो ढूंढेगा डॉक्टर कहाँ है, मेरी बीमारी की कमी है। तो आपको भगवान क्यों चाहिए? तो शांति चाहिए। आप अपने जीवन में सुख नहीं, अभी शांति नहीं, अशांति है, तो भगवान शांति और सुख लेके ऊपर बैठा आएगा तो दे देगा? नहीं, है ना। वो सुख शांति से परे है, दुनिया का सुख नहीं, तो आपको कौन सा सुख शांति देगा? माता जी बताओ, शिव बाबा आपको क्यों चाहिए, भगवान क्यों चाहिए? आपके अंदर तो 5 विकार है नहीं, पहले थे अभी नहीं, अभी है, कैसे पता चलेगा? अगर आप कहो किसी डॉक्टर के पास जाकर मुझे बीमारी है, वो कहेंगे माता जी कोई भाई जी कोई बीमारी नहीं है, नहीं मुझे बीमारी है, तो आप कहेंगे ना दिखाओ, तो दिखाएगा ना, एक्सरे निकाल कर आपको दिखा रहा है, शुगर कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, सब दिखा रहा है। क्या पुण्य आत्मा दिखा सकते हो? कैसे कहते हैं पाप आत्मा, ये पुण्य आत्मा, ये महात्मा, कैसे कहा? हाँ, आप भी देख सकते हो। जब आप आंखें बंद करके सोते हो रात को, स्वप्न कहां से आते हैं? क्या सोचते हो? तो स्वप्न कहां से आते हैं? अगर उसमें भी 5 विकारों के स्वप्न, तो कहां से आए? तब ये जानना चाहिए पहले कि आत्मा जब इस शरीर में जन्म लिया, इस शरीर के द्वारा एक एक सेकंड आपने जो जो कर्म किया है वो सब आत्मा के अंदर भरा हुआ है। कोई देखता नहीं, कोई कैमरा नहीं लगा है, भगवान देखता नहीं है, कोई नहीं देखता है। आत्मा ने शरीर में जन्म लिया, अंतिम श्वास तक इस शरीर के द्वारा जो भी कुछ कर्म करो, हर कर्म आत्मा के अंदर संस्कार होता है। ये अच्छी तरह से याद रखो, न भगवान चाहिए न ज्ञान चाहिए, कोई कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य के जीवन में दुख अशांति का नाम निशान नहीं है। ये दुख अशांति बीमारी 5 विकार कहां से आए? हमने किए हुए कर्म है। ये आत्मा ने शरीर में आने के बाद आत्मा ने किए हुए कर्म है। मुखड़ा देख ले प्राणी, ये मुखड़ा तो आईने में दिखाई देगा, आत्मा का मुखड़ा कब दिखाई देगा? जब रात को आंखें बंद करके सोते। अब आप देख लो जितने यहां बैठे हो, है ना, आप में से एक भी व्यक्ति बताओ जिसको आज से 1 महीने के अंदर 1 दिन भी 5 विकारों के स्वप्न नहीं आए, उसका नाम है पुण्य आत्मा। उसको आग में भी डालो,
आग भी जला दे सकती है। एक दिन, एक महीने के अंदर एक दिन भी पांच विकारों के स्वप्न नहीं आए। पुण्य आत्मा कौन कैसे कहेंगे पुण्य आत्मा ये पाप आत्मा विस्प्रूफ है ना। अगर आपको मुझे शुगर की बीमारी है डॉक्टर फोटो निकाल के दिखाता है, एक्सरे निकाल के दिखाता है। तो यहां भी मुझे चाहिए अपने को पता होना चाहिए मैं कौन सी आत्मा हूं, देव आत्मा हूं, पाप आत्मा हूं, पुण्य आत्मा हूं, कौन सी आत्मा। आत्मा तो पहले वो पता होना चाहिए, फिर उस बीमारी को मिटाने की दवा चाहिए। सिर दर्द है, पाव दर्द है, कान दर्द है, आंखों का डॉक्टर अलग है, पाव का डॉक्टर अलग है, तो आपको कौन सा भगवान डॉक्टर चाहिए। आप कान वाले डॉक्टर के पास जाओ आप ठीक करो, करेगा वो कहेंगे इस डॉक्टर के पास जाओ, कहेगा ना। तो आपको कौन सा भगवान चाहिए, लक्ष्मी चाहिए धन देगी, सरस्वती चाहिए विद्या देगी, तो पूछ लो आपको कौन सा भगवान चाहिए। दुनिया में बहुत डॉक्टर है, तो यहां भी दुनिया में कहेंगे हाँ ये श्री राम श्री कृष्ण है, दुर्गा देवी है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, बहुत है, आपको कौन सा भगवान चाहिए। क्यों एक किसी ने भी पाप मिटाने नहीं कहा, धन देंगे आपको पाप मिटाने नहीं कहा, लक्ष्मी की पूजा करो सरस्वती की पूजा विद्या मिलेंगी, लेकिन पाप मिटाते हैं किसी ने नहीं कहा। एक ही निराकार सत्यम कृष्णम सुंदरम नहीं कहा, सत्यम राम सुंदरम नहीं कहा, सत्यम शिव शिव ने विष पिया है और किसी ने विष नहीं पिया और वो सत्य है। तब भारत में शिव जयंती शिव आता है किसके लिए आता है, विष पीने के लिए। ये पांच विकार मनुष्य को दुख देते हैं ना, तो कहीं नहीं है अपने को शरीर समझते हो, इस शरीर के गुण है। मार्केट में क्रोध मिलता है, मिलता है तो बताओ कानपुर में मिलता है मार्केट में नहीं, ये क्रोध कहां से आया, परम धाम जब आए थे लेके आए थे नहीं, कहां से आया। ये शरीर अग्नि है, वायु है, जल है, जल ठंडा है, अग्नि गर्म है, उसका गुण है। सत्युग में भी क्या शरीर सोने का होगा, हाँ होगा ना, नहीं मट्टी का ही होगा, ऐसे ही शरीर होगा। लेकिन इस शरीर को चलाने वाला जो है वो सर्वशक्तिमान का बच्चा होगा, है ना, उसके अंदर सर्वशक्तियां होंगी। शरीर यही पांच ही तत्व, चार हाथ नहीं होंगे, चार आंखें नहीं होंगी, लेकिन इस शरीर को चलाने वाला कौन, उसको शिव बाबा करके पतित आत्मा को पावन करता है, पतित शरीर को नहीं। शरीर की बीमारी डॉक्टर ठीक करता है ना, शरीर पांच तत्वों से बना हुआ है, मट्टी से बना हुआ है, उसको ठीक करने के लिए मट्टी के अंदर जो दवाई बनती है वही चाहिए। तो आत्मा परमधाम से आई है, यहां से नहीं आई, तो उनका उसकी बीमारी मिटाने वाला डॉक्टर भी परमधाम से आना पड़ेगा, यहां नहीं होगा। आत्मा के अंदर बीमारी है, पाप आत्मा का, पाप शरीर नहीं, पुण्य शरीर नहीं, पाप आत्मा। अब आपको पता होना चाहिए मैं कौन सी आत्मा हूं, हरेक अपने आप को देख, अपने आप को हरेक जानते हो। मैं कहो माता जी आप देवी हो, आप मैंने कहते आप देवी बनेंगे, आप जानते हो मैं कौन सी आत्मा हूं। अब अपना मुखड़ा आप देखो, अगर मेरे अंदर पांच विकारों के स्वप्न आते किसी को पता नहीं, कोई नहीं देखता है, ना भगवान देखता है ना और कोई जानता नहीं है, स्वयं हर एक को अपने आप को अच्छी तरह से जानता है, तब कहा मुखड़ा देख लो, किसी ने कहने से कुछ नहीं होता है, जो किया वो भोगना पड़ता है। भगवान के सामने खड़ा हो जाए तो भी कुछ नहीं कर सकता, कि तटस्थ करने से होगा, होगा नहीं, आपने किया हुआ पाप आपको मिटाना है, इसलिए उसका नाम है भाग्य विधाता, भाग्य बनाने की विधि बताता है। डॉक्टर भी बीमारी मिटा नहीं सकता है, दवाई देता है, लेना आपको है, अगर आप नहीं ले लो बीमारी ठीक हो जाएगी, डॉक्टर का दर्शन करके आओ, होगा नहीं ना, जैसे डॉक्टर कहता है
वैसे विधि पूर्वक दवाई लेते हो तो बीमारी ठीक होगी। अभी आप हरेक अपने आप को देख लो, मेरे अंदर कौन सी बीमारी है। फिर अभी सुनकर आज सुनना 12-1 बजे फिर जिसके मन में जो भी प्रश्न आएगा वो लिख करके रखना, शाम को प्रश्न आपके प्रश्नों का जवाब दें, कल भी है, क्योंकि सुन के चुप नहीं रहना। सुनने के बाद आपको भी अधिकार है कि भाई जी ये कैसा, ये क्यों, ये क्या, कोई भी प्रश्न है ना, सुनना अच्छी तरह से, कोई बात समझ में नहीं आए तो आप जरूर प्रश्न लिख करके यहाँ बॉक्स रखेंगे तो बहन जी को दे देना, फिर हरेक के प्रश्नों का जवाब भी लेना चाहिए ना। ऐसे नहीं किसी ने कुछ कहा सत्वजन महाराज जी, नहीं वो पहले था, है ना। अभी हरेक को अधिकार है। देखो गीता में भी अर्जुन और श्री कृष्ण वार्तालाप, अर्जुन को कुछ कहा श्री कृष्ण ने, अर्जुन को कहा अर्जुन इन सबको मारो, क्या मैं पिताजी को परिवार को मारकर राजा बनू, ऐसे सिखाते हो, तो कहा मैं भिक्षा मांग के दूंगा, मुझे आपकी राजाई नहीं चाहिए, है ना। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, तब वो पूछता है क्या मैं परिवार वालों को मारू, तब कहा नहीं, कौन आपके परिवार, कब थे, कौन थे आपके दादा आपके वो कब थे, आप किसको मारना चाहते हो, ज्ञान सुना है। तो ज्ञान सुनने के बाद आपके जैसे मुरली सुनते हो तो विचार आता है ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो पूछना चाहिए। तो बहन जी सेंटर में क्लास के बाद ठहर कर बहन जी से पूछ सकते हो, आज इधर आए हो, कोई भी बात किसी भी प्रकार की, ये क्यों, ये क्या, ये कैसे, हर एक की स्पष्टीकरण है, तो पूछना, चुप सुन करके चुप नहीं रहना। तो उसके लिए पहले एक बात कि सबको ज्ञान समझ में आता है, योग पे बैठ के योग कैसे करना, क्यों योग चाहिए, डॉक्टर ने दवाई दिया, दवाई सवेरे लेना चाहिए, शाम को लेना चाहिए, खाली पेट पर लेना चाहिए कि खाने के बाद लेना चाहिए, ये कौन बताएगा, डॉक्टर को पूछेंगे ना। तो यहां भी ज्ञान सुनने के बाद कैसे योग करें, सामने वाला बहुत गुस्सा करता है, कब तक चुप रहे, प्रश्न आया तो उसका निवारण चाहिए। तो इसके लिए एक एक विषय पर सवेरे शाम को कल परसों 3 दिन करके 3 दिन तक आप प्रश्न पूछना, एक एक विषय पर आपको स्पष्टीकरण देंगे। सबसे पहले है योग, उसको कहते हैं मैदर, बाबा कहते हैं बच्चे 8 घंटे याद कर, याद योग और तपस्या 3 चीज है, या चलते फिरते खाना बना रहे हो, कपड़े धो रहे हो, रस्ते पर जाते हो, आपने देखा कोई साधु संत रस्ते पर जाता है हाथ में माला होती है, राम 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 करते जाएगा, इधर उधर देखता भी जाएगा, है ना, हाथ में माला, मुंह में भगवान का नाम, तो भक्ति कहते हैं। किसी को देखते हुए भी मन में मुख में चल रहा है राम राम, चल रहा है माला, चल रहा है, ये भक्ति है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी संसार में चलो, रास्ते पर चलो, किस बदल गई, कोई भी हो, कितना भी खराब व्यक्ति हो, बहुत दुख देता है, बहुत गुस्सा करता है, तो पत्थर मारना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वो यहां नंबर वन राज शुरू है, औरों के प्रति शुभ सोचे, कैसे सोचे, कैसे औरों के प्रति शुभ सोचे, तो विधि इसको राजयोग, रस्ते पर जाते हो, घर में बच्चे सुनते नहीं, पढ़ते नहीं है, मोबाइल देखते रहते हैं, खेलते रहते हैं, क्या करें, गुस्सा करें, कितने दिन गुस्सा करेंगे, कितना दिन मारेंगे, रस्ते पर कोई पति गुस्सा करता है, शराब पीता है, गुस्सा करता है, दुख लेता है, क्या करे, तो बाबा ने स्वयं निराकार शुद्ध बाबा ने सृष्टि पर आकर सबसे समझदार जो कुछ बच्चा आपके पास कुछ भी नहीं है, मेरे से लेके मदद करो, औरों को दान करो, कैसे करो, विधि करो, किसी को देखते ही शुद्ध बाबा ये आपका बच्चा है, इसका कल्याण, इसको सद्बुद्धि दे, इसको शांति की शक्ति दे, आपके पास तो नहीं, किसी के पास है, किसी साधु संत के पास भी जाओ वो भी नहीं कहता मैं ठीक करता हूं, भगवान आपका भला करेगा, डॉक्टर भी कहेगा मैं दवा देता हूं, दुआ उसकी चाहिए, दवा और दुआ, है ना। तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में
नंबर वन राज कुछ नहीं, एक ही दिन करो, दो दिन भी नहीं चाहिए। कल आएंगे आप, आज एक गोली खा लो, कल बताना भाई जी कल आपकी गोली खाई थी बीमारी ठीक नहीं हुई, कल बताओ तो दवाई चेंज करेंगे, नहीं तो शिव बाबा को बताएंगे कि दवाई काम नहीं करता है। कानपुर में दवाई काम नहीं करती, बताना पड़ेगा ना, बंद करना पड़ेगा ना। लेकिन दवाई सुन के नहीं, खा के बताना। कैसे दवाई करेंगे? सिर्फ एक ही काम, आज रात को आप सोएंगे लेकिन एक भी बुरे स्वप्न नहीं आएंगे, एक ही दिन, एक साधे सब साधे। लेकिन कुछ करने के बिगर नहीं, कुछ करना है, कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, इधर बैठो, खाना खा लो, रस्ते पर जाओ, एक दिन, और वो भी एक घंटे में एक व्यक्ति, एक एक बूंद इकट्ठा करो, रात तक गिलास भर जाएगा। एक घंटे में 60 मिनट है, 60 लोगों को दे सकते हो, नहीं इतना नहीं हो सकता है, एक घंटे में एक व्यक्ति को, किसी को देखते ही शिव बाबा ये आपका विचार है, इसका कल्याण। और एक उसके बाद कुछ काम करो, भूल गए, एक घंटे के बाद फिर याद आया शिव बाबा ये आपका विचार है, बहुत दुख देता है लेकिन आपका विचार है, आप इसको सदा सुखी, इसका कल्याण है ना। शिव बाबा ये बहुत दुखी है, इसको सदा सुखी बना, इतना ही करना है। किसी पर नजर गई, चाहे पति हो, चाहे बच्चे हो, चाहे सास हो, चाहे बहू हो, चाहे बहुत दुख देता है। मेरा बेटा कहेंगे आपका बेटा है, शिव बाबा ये आपका बेटा है, इतना सहज राज शुरू करें। अगर आप माता जी कहते भाई जी मैं घर में अकेले रहती हूं तो मैं किसको दे दूं, मेरे सामने कोई नहीं आता, तो क्या करेंगे? हाँ, घर में सामने कोई नहीं है, घर में खाना बना रहे हो, कपड़े धो रहे हो, झाड़ू लगाते हो, किसी किसी की याद आती है। हाँ देखो उस माता जी ने 1 साल पहले बहुत दुख दिया था, हाँ दिया था जरूर, शिव बाबा वो आपकी बच्ची है, रावण की बच्ची नहीं आपकी है, आप उसको सुधारो, आप उसको शांति दे दो, है ना, बाबा को बताएंगे ना, सामने नहीं मन ही मन में उनके प्रति शुभ सोचो, इसको मनसा सेवा कहते हैं। सामने दिखाई नहीं देता, अगर सामने कोई दिखाई दिया, चाहे गरीब हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे मित्र हो, चाहे छोटा बच्चा हो, पति हो, कभी भी मेरा पति नहीं, मेरा बच्चा नहीं, शिव बाबा ये आपका बच्चा है। तो अगर आपका पति है तो आप करो, अगर आपका बेटा है तो आप ठीक करो, मेरा बेटा बाबा मेरा बेटा है आप ठीक करो, नहीं मेरा शब्द नहीं, शिव बाबा के बच्चे है ना। तो ये शब्द याद रखना, आंखों के सामने आया, रस्ते पर चलो, खाना बना रहे हो, कपड़े धो रहे हो, किसी की याद आती है, चलते फिरते भी निरंतर कर सकते हो, कम से कम एक घंटे में एक व्यक्ति को दे दो, आज एक ही दिन कर लेने चाहिए, एक दिन करके देख लो, कोई चमत्कार नहीं है। यह हमारा मन दो काम करता है, किसी को देखते गलत भी विचार कर सकता है, अच्छा भी कर सकता है, दोनों विचार प्रकार के विचार करने की उसको आदत है। तो आज क्या करेंगे आप, कौन सी आदत उपयोग करेंगे? दोनों है, अच्छा भी सोच सकते हो, गलत भी सोच सकते हो, दोनों आपके हाथ में है। तो एक दिन अपने आप को पाठ पढ़ाओ, औरों को पाठ पढ़ाना सबसे सहज काम है। बच्चे ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, बताना सबसे सहज काम है, और सबसे कठिन है अपने आप को सिखाना, मुझे इनके लिए ऐसा नहीं सोचना है, मुझे इनके लिए ऐसा सोचना नहीं चाहिए, अपने को पढ़ाओ। हाँ गलत कोई करता है, उसको देखकर गलत विचार आता है, तुरंत समझाओ, नहीं शिव बाबा ने कल कहा था बच्चे इनके लिए ऐसा नहीं सोचो, ये शिव बाबा का बच्चा है, भगवान नाराज हो जाएगा। चलो शिव बाबा याद आएगा, अभी शिव बाबा को याद करो। तो समझ में आया याद किसको कहते हैं? बाबा कहते हैं मुरली में 8 घंटा याद करना है, सवेरे से रात चलते फिरते कर्म करते, लेकिन उससे जो पहले किया हुआ पाप है वो नहीं मिटेगा, अभी दोबारा पाप नहीं हुआ, किसी को देखते ही याद आएगा नहीं इसने कल गुस्सा किया था, अगर आपने उसका चिंतन किया तो दोबारा पाप। हाँ कल उसने गुस्सा किया था, उसने
अभी मुझे क्या करना है आज? बाबा ये आपका वचन, इस क्वेश्चन का विषय है ना, गलत कोई करेगा, अगर उसको देखकर मेरे मन में गलत विचार आया तो दोबारा पाप हो गया, वो 5000 वर्ष के लिए दोबारा कर्म बन गया। तब का संगम पर 5000 का रिकॉर्डिंग होता है, और 5000 पहले जो किया था उसको मिटा भी सकते। दो काम, एक मिटाना और एक बनाना, ये भूलना है। संगम पर भगवान आगे क्या करता है, पवित्र आत्मा को 5000 वर्ष के लिए पाप बनाता है, और पतित जो कर्म किया है आधा कल्प से उसको मिटाता है, उसकी शक्ति से मिटाता है। ये दो काम करने क्या है, इसलिए उसको कहा, शिव बाबा ने कहा मेरा एक ही काम है, पतित आत्मा को पावन कर दिया और मेरा कोई धर्म कर्म नहीं है। शिव बाबा ने धरती पर कौन क्यों आया, उसका नाम है भी है पाप कटेश्वर, पाप मिटा दे रहा है, लेकिन अपने आप में विधि बताता है, बाबा मेरा पाप मिटा दो, बच्चे डॉक्टर को कहो मेरे धर्म मिटा दो, ये दवाई ले लो। यहां भी नंबर वन राग जो पहला, रस्ते पर चलो, घर में रहो, संसार में रहो, सब कुछ कर्म करते हुए एक ही मन में विचार चले, कम से कम किसी की भी याद आए, याद नहीं आना चाहिए, गलत विचार नहीं आना चाहिए, नहीं कि संसार है, कीचड़ है, उसमें रहते हुए भी अगर आया तो तुरंत समझाओ नहीं, यीशु बाबा का विचार, मेरा पति नहीं, मेरी सास, मेरी बहू, मेरे भगवान के बच्चे, यीशु बाबा आप इनका कल्याण करो, इनको सुख बुद्धि, इसमें कोई तकलीफ है, तकलीफ है, तकलीफ है तो बताओ, इसका इसका नाम समझना, कुछ नहीं करना, जाने की जरूरत नहीं, कर्म करो, खाना खा लो, बच्चों को संभालो, पति की सेवा करो, सब कुछ करते हो, संसार में रहो तो नंबर वन पवित्र रह सकते हो। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में अगर किसी ने शादी नहीं किया उसको पवित्र नहीं कहते हैं, ब्रह्मचारी कहते हैं, लाखों ब्रह्मचारी है जंगल में, सत्य में आएंगे तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर वन पवित्रता है, कुछ किसी भी आत्मा पर नजर गई देखते ही शिव बाबा इस आत्मा का कल्याण, अगर ये विचार आता है ये नंबर वन पवित्रता है। अगर ये छोड़कर ये नहीं आया, अरे ये खराब है, ये ऐसा है, ये वैसे, ये विचार आया नंबर वन अपवित्रता है, श्रेष्ठ विचार। अपवित्रता पहले मन में आती है, फिर नजर, फिर बोल, फिर कर्म, तब बाद में पहले विचार। तब कहा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नंबर वन मन जीव जगत जीव, मन तूफान है, मन घोड़ा है, मन खराब है, मन गलत सोचता है, मन में अशांति कहां से आई, हमने विचार किया, हाँ मन में गलत विचार आता है, आप चाहते नहीं हो, लेकिन अंदर बहुत जन्मों से किए हुए कर्म है, न चाहते हुए भी यहां बैठे बैठे भी मन में गलत विचार आता है, आप चाहते नहीं हो, क्योंकि अंदर भरा हुआ है, अगर आते ही तुरंत समझाओ नहीं ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए, ऐसे नहीं कहता आपको गलत विचार आना नहीं चाहिए, आप चाहते नहीं है, हम नहीं चाहते, लेकिन आता है, कभी कहते हैं आप बीमारी नहीं आना चाहिए, संभव नहीं है, कलयुग है, आत्मा सारे कलप चल करके आई है, अंतिम समय है, बहुत प्रकार के पाप भरे हुए हैं, स्वप्न में दिखाई देता है, सब पाप आत्मा कहते हैं, उसको मिटाने के वो कहां आते हैं, पहले मन में आते हैं, किसी को दिखाई नहीं देता, किसी को पता भी नहीं, आप कहते थे अभी किसी को देखो तो पता चलेगा ये पाप आत्मा या पुण्य, वो बाद में, अगर यहां बैठे हुए भी योग करने बैठे हो, बाबा के सामने बैठे हो, मुंगी सुन रहे हो, तो भी कहां कहां के विचार आते हैं, क्योंकि अंदर कहीं आते नहीं, अंदर भरा हुआ है, न चाहते हुए मन में विचार आ रहे हो, हाँ आने दो, तुरंत उसको समझा, ये विचार क्यों आया, बाबा मैं आपकी मुरली सुनने बैठे हो, आपके योग करने बैठे हो, आपको याद करने बैठे हो, मुझे ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, लेकिन अंदर भरा हुआ है, तुरंत बाबा को, बाबा आपने कहा मैं पतित को पावन करने आया, बाबा ये विचार ठीक नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, इनके लिए मेरे मन में ऐसा विचार है कि बाबा ये आपका बच्चा है, इसको सद बुद्धि था, इसने बहुत दुख दिया, गलत किया, लेकिन वो आपका बच्चा, आप उसको सुधारो, आप उसको ठीक करो,
ये राजयोग है, ये नंबर वन पवित्रता। क्या कहेंगे इसको? शापित करना है ना, कभी कभी आता है ना, नहीं अभी आता है अभी भी, क्या आप समझे कि अभी बहुत खराब है जो बाबा इसको ऐसी सजा दे दो, आता है ना, क्योंकि आत्मा अभी इतनी सतो करना नहीं करते, बद्दुआ निकलती है नहीं, क्योंकि उसको नहीं, उसको मिलेगी जरूर, लेकिन पहले मेरा मन खराब हो गया, ये गलत विचार कहां आया, उसके मन में नहीं आया, मेरे मन में आया, जैसे सोचेंगे ऐसे बनेंगे, आप चाहते नहीं हो, आता है, तो क्या करना चाहिए, तो उसका उपाय। तब बाबा ने कहा चलते फिरते खाना खा रहे हो, कपड़े धो रहे हो, संसार में चलते रहो, आंखें खोल के अनेक को देख लो, किसी को देखते आंखें बंद नहीं करो, आंखें झुकाओ नहीं, भगवान के पीछे, हाँ देखते गलत विचार आया तुरंत समझाओ, नहीं ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए, अपने को सुधारो, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन, उसको सुधारने नहीं जाना, दूसरों को सुधार नहीं सकते, अपने को सुधारो। इसमें कोई तकलीफ है तो बताओ, कोई तकलीफ है तो आज के बाद मेरा यार बाबा को याद ही नहीं कर सकते, ऐसे नहीं बोलना, हाँ हम बाबा को याद करते हैं, ठीक ठीक, कठिन है, कठिन है तो बोलना, फिर लिख करके देना, नहीं चलते फिरते हम याद नहीं कर सकते, समझ में आया भाइयों को, समझ में आया, कठिन है कोई, हाँ जो करेंगे वो पाएंगे, करना चाहिए, एक घंटे में एक ही दिन करो, आज रात को सोएंगे आप, देखना आज इधर से दिन में घर जाएंगे, रस्ते पर जाते हुए बहुत लोग तो आ रहे जा रहे, कौन है सक्षम बाबा के बच्चे, बाबा ये आपके बच्चे, इनका कल्याण कब होगा, इनको कब सुख मिलेगा, इनको कब ज्ञान देंगे, आप कहते मैं सबका बाप हूं, बाबा इनको भी तो देना चाहिए, इनको भी ज्ञान मिलना चाहिए, पति ज्ञान में नहीं चलता है, वो आपका नहीं, शिव बाबा का बच्चा, आपके घर में बच्चे ज्ञान में नहीं चलते हैं, आपके बच्चे, शिव बाबा इसका कल्याण कब होगा, इस बच्चा स्वर्ग में कब आएगा, ये पति आपका बेटा है, ये कब स्वर्ग में आएगा, इसको कब कौन देवता बनाएगा, आपको बाबा से बात करते हो तो आपके संकल्प दोष ना है, नहीं तो भारत ग्रस्त धर्म है, लेकिन पवित्र ग्रस्त धर्म था, अभी अपवित्र ग्रस्त हुआ, क्यों कैसे अपवित्र हुआ, मेरा बेटा मेरा पति मेरा घर अपवित्र हुआ, सत्युग में भी पति पति दोनों है, स्त्री पुरुष दोनों है, बच्चे भी है, घर भी है, सोना भी है, सब कुछ है, दोनों में अंतर क्या है, वहां लक्ष्मी को चार हाथ भी होता है, दो ही हाथ होते हैं, सोने का शरीर नहीं बनता, यहां भी सोने का शरीर नहीं, अंतर क्या है, समझ है ना, अपने को शरीर समझते हो तो देह का भाव मेरा शरीर मेरा पति मेरा बच्चे, यही अपवित्रता है, अगर इस एक शब्द को परिवर्तन करो तो ग्रस्त पवित्र बनेगा, छोड़ के जाना नहीं, पति को छोड़ के जाना नहीं, बच्चों को छोड़ के जाना नहीं, सबके साथ रहते हुए भी विचारों में परिवर्तन, इसमें कोई तकलीफ है नहीं, हाँ स्वर्ग लाना, स्वर्ग अपने आप ऊपर परम धाम से नहीं आएगा, आपको बनाना है, आएंगे जैसे सोचेंगे वैसे बनेगा, अगर आप मन में गलत विचार करो जैसे सोचेंगे ऐसा ही बनेगा, तो क्या बनाना चाहते हो, तब कहा भारत माता की, दीदी कह रहे थे भारत माता की जय, माता भारत में देखो माताओं की महिमा है, माताओं ने स्वर्ग बनाया, अभी आप माताएं क्या बनाना चाहते हो, नहीं थोड़ा दिन के लिए नर्क चाहिए, नहीं चाहिए, हाँ गलत विचार आता है तो क्या करेंगे, आप चाहते ना तो गलत विचार आता है तो क्या बनेगा, गलत बीज बोएंगे तो गलत ही खराब ही फल उगेगा ना, जैसे आप बोएंगे तो कौन सा बीज बोना चाहते हो, ये अपने आप को सिखाओ, अपनी चेकिंग करो, मेरे मन में क्या विचार आता है, गलत आएंगे ना तो उसको दोबारा पानी नहीं डालो तो झाड़ बड़ा हो जाएगा, है ना, उसको मिटाना है, हाँ ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, अपने आप को, इसको याद कहते हैं चलते फिरते अपने आप से बात करते रहो, ये विचार क्यों आया, इस माता जी को देखते ही विचार क्यों आया, ये किसकी बच्ची है,
ने आपको पढ़ा, उनको नहीं, किसी को सुधारने जाना नहीं। अरे इनको देखते ये विचार क्यों आया, अपने आप से बात करो। तो राजयोग क्या है? ब्रह्मा कुमारी आश्रम में नंबर वन पवित्रता। किसी ने शादी नहीं किया वो ब्रह्मचारी कहते, पवित्र नहीं। पवित्रता ये है, इसलिए बाबा के घर में देखो बच्चे भी है, बूढ़े भी है, 80 साल के भी है, 2 साल के भी है, 5 साल के भी है, सभी के लिए। देखिए जिस्माने नहीं शरीर को नहीं पढ़ा, आत्मा के अंदर पहले विचार, मन की स्वच्छ, मन स्वच्छ, मन जी जगत जी, मन को स्वच्छ। इसमें किसी प्रकार की तकलीफ हो तो बताओ, कोई कठिनाई है तो बताओ। पहले बताया हाँ भाई जी, इनको देखिए माता जी ने मुझे 10 साल पहले बहुत गुस्सा किया, देखते विचार आता है क्या करो, जवाब दिया आएगा नहीं आएगा, ऐसा नहीं करो भी नहीं, आप नहीं करते, आता है। माता जी को देखते पिताजी नहीं कहता, माता जी दिखाई देते, हाँ बाबा हाँ इस माता जी ने गुस्सा किया था, लेकिन वो आपके बच्चे है, इनको कौन सुधारेगा, आप उनको ऐसी शक्ति देंगे, ऐसा कर और न करें, ये दया, ये क्षमा, क्षमा करो, कैसे क्षमा करेगा, क्षमा करने का तरीका। शिव बाबा हाँ इन्होंने दुख दिया, इस भाई ने बहुत दुख दिया, लेकिन बाबा ये आपका बच्चा है, इनको देखते गलत विचार नहीं आना चाहिए, संभव नहीं आएगा, आप भी समझाओ, और इनको देखते आपके मन में क्या विचार आया उनको पता नहीं है, मुझे पता है, तो मुझे परिवर्तन करना पड़ेगा ना, क्यों करेगा, मुझे करना पड़ेगा, इनको देखते मैं अपने मन को समझाता हूं, हाँ ये भाई तो बहुत खराब है, ये कौन है ये, शिव बाबा मन ही मन सोचो, शिव बाबा ये आपका बच्चा है, देखो कैसे बोलता है, कितना दुख देता है, पैसा लेता देता ही नहीं है, कितना गुस्सा करता है, बाबा आप अपने बच्चों को संभालो, आप अपने बच्चों को सदबुद्धि दो, सदबुद्धि देने आए हो, विश्व में शांति करने आए हो, मेरे अपने बच्चों को तो ठीक करो, है ना, बाबा से बात करो। अभी देख लो आप इधर बैठे हो, एक छोटा बच्चा आवाज करता है, खेलता है, खुश है, लेकिन आपको तकलीफ होती है, आवाज करता है, तो क्या करेंगे, मारेंगे उसको, गुस्सा करेंगे, क्या करेंगे बताओ, चॉकलेट दिया खाया 2 मिनट के बाद फिर आवाज करेगा, खिलौना दिया 2 मिनट के बाद और करेगा, क्या करेंगे, क्योंकि माता ही कहती बत्ती सुनता नहीं, बच्चे सुनते नहीं, परेशान करते हैं, क्या करते हैं, ऐसे ये भी यहाँ भी बच्चा गाता है, दौड़ता है, खेलता है, उसको खुश हो, लेकिन आपको परेशान है, तो क्या करना चाहिए बताओ, देखो आप क्या करना चाहिए, तो आप कुछ कर सकते हो, बच्चों को मारेंगे कुछ नहीं करेंगे, हाँ क्या करेंगे, माता जी आप अपने बच्चों को संभालो, माँ अपने बच्चों को अपने गोदी में लेके बैठती है, सुनेगा आपका नहीं सुनेगा, तो हम सबका माँ बाप कौन है, अगर इस संसार में पति बच्चे पोते सास बहू कोई भी, सबका माँ बाप एक है ना, अगर कोई कुछ कहता है शिव बाबा ये आपका बच्चा है, इसका आप ठीक करो, आप इसको सद्बुद्धि दे दो, आप इसको शांति की शक्ति दे दो, आप इसकी बीमारी ठीक करो, बार बार मन में बाबा को बताते हो, भगवान सुनता है, सुनता है कि नहीं सुनता है, इसका सुनता ही नहीं, माता जी कहते बाबा आपको इतना दिन बताते हो सुनता ही नहीं है, है ना, भाई कहते बाबा तो सुनता ही नहीं, सुनता है नहीं सुनता है, सुनता है तो बताओ, तो अभी आप एक प्रैक्टिकल जीवित है व्यक्ति, उसका अनुभव बताते हैं, देखो 50 साल से एक भाई सेंटर में रहता था, आज भी है 99 ईयर से सेंटर, 50 साल से रहता था, उनके 2 बेटे हैं, दोनों को शादी करके दिया, एक लड़की सेंटर संभाल के आज भी है जीवित है, कहानी सेंटर संभाल के 50 साल हुए, अभी 5 साल के अंदर उसको पिताजी को पैरालिसिस हुआ, तो मधुबन में था सेंटर, मधुबन में आके रहता, तो मधुबन में रहते बड़ा बेटा रिटायर्ड हुआ, उसको लगा पिताजी की सेवा करनी चाहिए, तो दोनों भाई बहन तीनों मिलकर मधुबन में आए और दादी को बोला, दादी आप पिताजी की सेवा करना चाहते हैं, दादी ने कहा तुम्हारा पिताजी ले जाओ, लेकिन बहन को लगा सेंटर संभाल दिया है कि बाबा आपने 50 साल से ब्रह्मा भोजन खिलाया, मुगली सुनाई, सेवा कराया, और आओ बहू क्या खिलाएंगे, अभी आप भेज रहे हो घर में, लेकिन उनको वो ले सकती है सेंटर में ले जाने जाकर के रख नहीं सकती है, दादी को कुछ पता
मधुबन में बाबा के कमरे में गए, मधुबन में नीचे शांति और मिला। फिर हम दोनों भाई, पिताजी और बहन भी बाबा के कमरे में, बाबा बैठा है मधुबन में, बाबा बैठा है नहीं, चित्र है, था बाबा भी नहीं है, अभी तो फोटो है उधर। तो वो बहन भी तीनों जाके बैठे और बहन ने मन में विचार किया, शिव बाबा कि ये पिताजी मेरा नहीं आपका बेटा, आपने 50 साल से ब्रह्मा भजन के लाया, मुरली सुनाई, सेवा कराया, पर आज उनको आप घर भेज रहे हो, मुझे ठीक नहीं लगा, लेकिन मेरा कोई अधिकार, मेरा तो आप पे पाप, ये आपका बेटा बोल के आई। शाम को शांति वन में गुलजार दादे के घर में शिव बाबा आ गए, देखा ना आशा बाबा, तब सबको दृष्टि दे रहे, सबको वो पिताजी को व्हील चेयर पर लेके गए, दोनों भाई भी गए, बहन भी गई, तीनों दृष्टि देके उतरे, लेकिन बहन उधर कोने में बैठ गई ऊपर। लास्ट में बाबा जाते बने तो बाबा ने बुलाया, अंत में बुला के कहा, बच्ची जो निर्णय लिया वो सही है, लेकिन उनको पता ही नहीं, सवेरे बोल के आए थे, विश्वास नहीं था बाबा तो उनका, उधर फोटो है बाबा तो नहीं है, ऐसे बोल के आए, विश्वास नहीं है, लेकिन यहाँ बाबा ने कहा, बच्ची जो निर्णय लिया वो सही है। तो किसने सुना, किसने जवाब दिया, कहा बाबा मधुबन में बाबा था, चित्र था, किसने सुना जवाब, शांति मन ने किसने दिया। ये कहानी अभी भी पिताजी भी है, देखो 2 साल के बाद बेटे, उस समय बेटा लेके गया और 1 साल बेटे ने पिताजी की सेवा की और बेटे शरीर छोड़ के चला गया। तो छोटा बेटा सेवा नहीं, पिताजी को रख नहीं सकता, तो बहन जाकर के सेंटर से मधुबन से नहीं ले जा सकती, घर से ले आई, सेंटर में रखा, आज भी बहन सेवा करती है, 99 इयर्स है, सेंटर भी संभालती है, पिताजी की सेवा भी करती है। तो उधर किसने सुना, भगवान दोनों का सेवा, बेटे की भी इच्छा पूर्ण किया तुम भी सेवा करो, बहन की भी इच्छा थी उसकी भी, तुमको पिताजी की सेवा करना है करो तुम भी करो, दोनों को सुनता है, किसने सुना, तो बाबा सुनता है, सुनता है पक्का, नहीं कोई कोई कहता बाबा सुनता ही नहीं, तो परंदा में है, एक सूक्ष्म में है, सुनता है, तो आपको प्रैक्टिकल उदाहरण आज भी जीवित है, कुछ सकते बहन भी सेंटर से बात की, पिताजी भी है, दोनों दो बेटे में से एक बेटा से छोड़ा एक बेटा है, भगवान सुनता है। लेकिन याद रखना ये हिसाब किताब आपके पाप ठीक कर रहे हो, तुमने किए हुए ब्रह्मा बाबा को भी बाबा ने कहा तुम्हारी खासी है ये तुमको मिटाना है, मैं तुम्हारे घर में रहता हूं इसका मतलब मैं मिटा, मैं आपका भाड़ा दूंगा, शरीर उपयोग कर रहा हूं बीमारी आपकी है, मैं कर्म भोग में इंटरफेयर नहीं करता, जिसका कर्म है वो पूरे कि वो भी मिटाए भगवान बताओ, तो उसकी विधि बाबा ने बताया, बच्ची या योग बल से मिटाओ या कर्म भोग के मिटाओ, तो कैसे मिटाना चाहते हो, कर्म किए हुए हैं, फल मिलेगा ना, बीज आपने बोला बोया है, खट्टा हो मीठा हो आम लगेगा ना, तो कर्म का फल है, तो वो भोग अगर नहीं भोगना चाहते हो तो योग चाहिए, तो वो योग क्या है वो बताओ, पाप मिटाने वाला उसका नाम तपस्या है, एक याद एक योग एक तपस्या, अभी याद बताया है ना, उससे किए हुए पाप नहीं मिटेंगे दोबारा नहीं होंगे, अभी योग क्या है कौन बताएगा, योग माना जोड़, बाबा ने कहा मेरे से सर्व संबंध जोड़, योग सर्व संबंधों से याद करो, तो कैसे खाना बना रहे हो, किसके लिए खाना बना रहे हो, हाँ शिव बाबा आपको भोग लगा नहीं, मेरे बेटे के लिए, मेरे पति को ये अच्छा लगता है इसके लिए खाना बना रहे हो, ये चाहिए शिव बाबा को भोग, बाबा आपके लिए खाना बना रहे, आपको भोग लगा रहे, आपको कौन सी सब्जी बनाओ, तो बाबा के अगर उसके बाद बाबा आज आपने मुझे भी ये कहा था, ज्ञान का चिंतन करते बाबा से बात करते करते कर्म करते हो तो संबंध जुड़ा, पाप है अगर बहुत दर्द है बीमारी है तो डॉक्टर को याद करते हो शिव बाबा हमारा डॉक्टर है, कोई भी बीमारी हो बाबा को शिव बाबा आपने कहा मैं सुप्रीम सर्जन हूं, बाबा ये बीमारी है क्या करो, तो बाबा आपको टची दे बच्चे इस डॉक्टर के पास जाओ, ये डॉक्टर आपको दवाई देगा, ये करो सुप्रीम सर्जन है, तो सब संबंध भूख लगी उठा के नहीं खाओ, बाबा भूख लगी माँ बाप है माँ से मांग के लेते,
तो भगवान माँ बाप है। तो आप पूछेंगे भगवान माँ बाप कैसे खिलाते हैं, उसका भी एक आपको अनुभव बताता हूँ। बाबा कैसे करता? देखो शुरू में ब्रह्मा बाबा था, दादी को भी पता होगा, दादी को भी अपना अनुभव पता, कभी पूछना कि बाबा जब भी ब्रह्मा बाबा जाने तो सभी के साथ खाना खाते, अकेला नहीं खाते। साढ़े 100 बहने थी, भाई भी थे, सबको लोग और बैठते थे, बाबे जमीन पर बैठ के खाना खाते। एक दिन बैगरी काटता गरीब पूछने का अवसर, और बहने बाहर वॉचमैन जो बैरा देना होता ना, तो बहने देती थी, गेट पर रहती थी कोई ना कोई। तो बाबा सबके सामने खाना खाने बैठा, तो खाना जो खिलाने वाली बहन थी उन्होंने क्या बोला कि आज दोबारा कोई भी दाल मांगेगा नहीं, दाल एक एक दफा मिलेगी, दोबारा नहीं। तो बाबा भी बैठा था, बाबा को ठीक नहीं लगा, अरे बच्चे भगवान के बच्चे, इनको दाल भी नहीं मिलेगी। उठ के सीधा अपना कमरे में गया और कमरे में जाके बैठा, बैठा दूसरी दादी, बाबा खाना खाने चलो, ठहरो मैं बाबा से बात करता हूँ। तो बाबा ब्रह्मा बाबा से बात करते, आपके बच्चे भगवान के बच्चे और उनको एक दाल ले मिल रहे हैं, तो आप पालनहार कैसे हो, क्या पालना करते हो? तो कहा बाबा खाना खाने सब बेटे चलो, ठहरो मैं बाबा से बात करता हूँ। फिर उसके बीच में एक बैलगाड़ी लेकर अब अपने कंपाउंड में बैठ के आया, तो जो गेट पर बहन थी उन्होंने कहा भैया गाड़ी अंदर नहीं लाओ, बाहर रख दे जाओ, आपका रास्ता नहीं है, नहीं मुझे यहाँ ही सामान उतारना है, नहीं आप बैलगाड़ी अंदर नहीं ला सकते हो, रोक लो उधर, रुके नहीं अंदर घुस गए। तो उसके बाद उसको कितना कहा माना नहीं, तो बाबा को बताया, बाबा ने कहा बच्ची पहले उसको खाना खिला, उसको खाना खिला के मेरे पास ले गया। तो अरे तुम बैलगाड़ी लेके अंदर क्यों आया, मुझे पता नहीं, मैं रस्ते पर हमारे खेती में दाल लगी, दाल मार्केट में बेचने जा रहा था, तो कोई व्यक्ति आया उसने कहा ये माल सामान तो उस उधर जाके छोड़ दो, तुम इसको मैं लेके आया, मैं यहाँ उतार के जाऊंगा, मैं खाली नहीं जाऊंगा, मुझे कहा कि इधर उतार के जाओ, दाल की सारी बोरी आंगन में उतार के चला गया। तो कौन खिला रहा है? तब कहता भगवान पालनहार है। तो दुनिया में लोग कहते करण कराव है, वो पालना करता है, वो खिलाता है, कहाँ खिलाता है, कैसे खिलाता है, एक नहीं एक उदाहरण ऐसे हजार उदाहरण है। तो जब साकार में ब्रह्मा बाबा था तो बाबा सुनता है अपने लिए नहीं, बाबा के बच्चों के लिए। आप कहते बाबा मेरी बीमारी ठीक करो, आप पाप करो और बाबा मिटाओ, नहीं आपने क्या आपको मिटाना है, औरों को सुख देने के, औरों की सेवा कर, कुछ भी कहो बाबा तुरंत दे रहा है। कब पूछे कि बाबा किसका सुनता है, मैं पाप करो गलत करो और ठीक करो चलेगा, जी तुम्हारे कर्म तुम्हें योग लगाकर दवाई लेकर तुम्हें मिटाना है ना। अगर आप सेवा के लिए कुछ कहते हो, औरों को सुख देने के लिए कुछ कहते हो, तो बाबा तुरंत मदद करता है। क्या सुनता है क्या नहीं सुनता वो समझना चाहिए, मेरे लिए नहीं औरों को सुख देने, औरों का कल्याण हो ना। तो किसका सुनता है, हम क्या कहते हैं बाबा मेरे बीमारी ठीक करो, मुझे ये दे दो, मांगना हो गया, समझ में आया। तो किसका सुनता है कैसे सुनता है, तब कहा बाबा गया नहीं, बाबा ने कहा ये शरीर छोड़ा नहीं आया, हर साल गुजार दादी के दर में आता है, ज्ञान सुनाता है। कोई भी धर्म गुरु गया आया, श्री राम गया, लक्ष्मी गई, दुर्गा गई, अभी देखो स्वामी नारायण का गुरु था प्रभु स्वामी शरीर छोड़ा, सत्य साई बाबा गया कहां से, अभी सत्य साई बाबा के कितने फॉलोअर्स हैं, उनको कौन पढ़ाएगा, उनको कौन देखेगा, उन्होंने भी दूसरे शरीर में आना चाहिए ना। श्री कृष्ण ने गीता सुनाई कहां गया, अभी दूसरे शरीर में आ सकता है ना, कोई गया हुआ आया नहीं। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आता था, ब्रह्मा बाबा गया तो भी गुलजार दादी के तन में आके आज भी पढ़ाई पढ़ाता है। कोई धर्म गुरु कोई देवता गया हुआ आया, तब कहता भगवान बच्चों को जन्म देके छोड़ते नहीं है, पालना करते हैं, खिलाते हैं पिलाते हैं पढ़ाते हैं, भगवान पालना करता है। तो एक शरीर नहीं तो दूसरे शरीर में आकर गुलजार दादी के तन में आकर इतने सालों से 50 साल हो गए,
ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद भी 50 सालों से उजाड़ दादी के तल में आकर के भी मुझे सुनाई कि नहीं सुनाई, श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, श्री राम दोबारा आया, लक्ष्मी दोबारा आई, दुर्गा देवी आई और वापस हनुमान जी आया, कोई आया? तब कहा भगवान इस धरती पर कैसे आता है और सबका सुनता है, समझ में आया? तो उसके साथ सब संबंध रखो। अगर कोई मुरली के पॉइंट समझ में नहीं आया, शिव बाबा टीचर है, बाबा के कमरे में बैठो, बाबा से पूछो, बाबा आप टीचर हो, आप बता आज आपने मुरली में ऐसे कैसे कहा, इसका अर्थ क्या है? बीमार हो गई, बाबा आप मेरे डॉक्टर हो, मैं क्या करूं, किस डॉक्टर के पास जाऊं? वो आपको टचिंग देगा, सिखाएगा, बच्चे भी सोचते हैं। खाना बनाते हो, बाबा किस आज आपके लिए क्या खाना बनाऊं, बाबा को पूछ, बाप है। तो सब संबंध अगर आप जोड़ते हो तो इससे भी केवल पाप नहीं मिलेंगे, लेकिन दोबारा पाप नहीं होगा। इसको योग कहते हैं, जोड़ना। कर्म करते करते डॉक्टर है, साजन है, खाना किसने बता रहे हो? मेरे पति के लिए बना रहे हो, मेरा साजन है, भगवान मेरा, भगवान मेरा बेटा है, सब संबंध उससे मिले, हो सकता है, इसको कहते हैं योग। अब तीसरा आया तपस्या, जो किए हुए पाप को मिटाने के लिए तपस्या चाहिए, कि नहीं चाहिए? चाहिए, पक्का? आपने पाप किया है, कैसे मिटाएंगे? हाँ, पाप किया है कैसे पता चलेगा? हाँ, स्वप्न बताता है। तब पूछा, जितने इधर बैठे हो आप में से कोई भी एक व्यक्ति भी हाथ उठा के बताओ, आज से एक महीने के अंदर एक दिन भी गुस्सा नहीं किया, ऐसा कोई पुण्य आत्मा है? कहते कानपुर में है, एक भी नहीं है। मतलब आप चाहते गुस्सा करना चाहते हो? हाँ, अगर गुस्से का संस्कार एक अंश रह गया तो सत्य का टिकट मिलेगा? हाँ, जा सकते, जा सकते हैं, थोड़ा सा गुस्सा रहेगा, ज्यादा नहीं चलेगा। तो मना कानपुर वाले कोई भी सत्यु में जाना नहीं चाहते हो, जाना चाहते हो तो गुस्सा लेके जाएंगे, फिर क्या करना पड़ेगा इस भट्टी में? तो क्या करो, बाबा को लिख करके, बाबा एक महीने के लिए इस गुस्से को आप अपने पास हमारे पास भेजना नहीं है, तो लिख कर बाबा के कमरे में चिट्ठी डाल के जाना, भट्टी का कुछ दक्षिणा देना पड़ेगा ना। हाँ, सिर्फ बाकी नहीं, एक लो, एक को जीत लो, चारों अपने आप जाएंगे। क्रोध एक सबका कारण है, एक को जीतो और सहज है। हाँ भाई, ये बहुत गुस्सा करता है, आग लगती तो नहीं है ना, लगती है, दर्द होता है? नहीं, वो गुस्सा करता है, करने दो, बोलने दो, मुझे चुप रहना, मुझे जवाब देना नहीं, लेकिन मुख से चुप रहो, मन से चुप नहीं रहना, मन ही मन सोचना शिव बाबा या गुरु का बच्चा है, आपने कहा था गुस्सा नहीं करो, आप इसको शांत करो, आप इसको समझाओ, बाबा से आप बात करते रहो, वो कितना भी गलत चीज बोलता है, गुस्सा करता है, कुछ नहीं होता है, आग जलन नहीं होती है, दर्द नहीं होता, दर्द होता है? तो ये विधि चाहिए, ऐसे नहीं कोई गुस्सा नहीं करेगा, दुख नहीं देगा, गुस्सा करना न करना आपके हाथ में है कि नहीं है? कौन कहता है गुस्सा करना मैं करना न करना अपने हाथ में है कि नहीं? अगर आपका पिताजी पति बहुत गुस्सा करता तो चुप रहेंगे ना, अगर छोटा बच्चा कोई दूसरा गुस्सा करता चुप रहेंगे, तुरंत बोलेंगे उसके, बड़ों के सामने हम गुस्सा नहीं करते हैं, वहां सहन कर लेते हैं, तो सबके प्रति सहन करने की शक्ति हमारे अंदर है, कहीं लाना नहीं है, सिर्फ अपने को याद रखना है कि हम भगवान के बच्चे, हमें गुस्सा नहीं करना, पति बच्चे परिवार वाले करेंगे क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, अगर ज्ञान में सुनने वाले भी करेंगे कि उनको अभी तक पूरा निश्चय नहीं है, विश्वास नहीं है, हमें निश्चय है तो मुझे नहीं करना है, संभव है कि नहीं? क्योंकि थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, तो बताओ भाई जी, थोड़ा थोड़ा गुस्सा तो करना चाहिए, हाँ ऐसा कोई तो आता भाई, बताओ थोड़ा गुस्सा करना चाहिए ना, नहीं करना चाहिए? नहीं, थोड़ा तो करना चाहिए भाई, रुचि वाले भाई क्या कहते हैं, थोड़ा करना चाहिए, करना नहीं चाहिए, देखना आता है, यही इधर ही परीक्षा है। आज बाबा ने मुरली में कहा था कि दो पहलवान लड़ाई करते हैं, कुश्ती खेलते हैं, जीत एक की होती है, बिना लड़ाई के बिना पहलवानी के जीत होती नहीं है, विजय अपने आप नहीं होता है। स्कूल में पढ़ने के बाद भी, परीक्षा देने के बाद भी, बाद ही आप विजयी बनते, पास होते, यहां भी क्रोध करने वाले, दुख देने वाले मिलेंगे, आएंगे,
लेकिन मुझे उन पर विजय प्राप्त करना है, तब आप विजयी रतन कहेंगे। विजयी रतन ही सत्युग में जाएगा। पराजित वाला कहां आएगा? थोड़ा पराजय होगा, क्या होगा, उधर ही बैठना पड़ेगा ना। हाँ, त्रेता युग में आना पड़ेगा, हाँ जंगल में जाना पड़ेगा। सत्युग में आना चाहते हो तो आज इसलिए दीदी ने आप सबको बुला करके भक्ति क्यों लिखा है समझाओ। अगर नहीं कर सकते बताना, उसकी हर चीज की विधि है। भाई जी कितना दिन क्रोध मुक्त होना चाहिए? ज्यादा नहीं, कम से कम एक महीना, एक बार आदत डालो तो सदा के लिए चलते। एकदम सारा एक जीवन के लिए नहीं करना है ना, हिम्मत का एक कदम रखो। आप एक महीना नहीं, 15 दिन करो, 15 दिन नहीं एक हफ्ता करो। कितना दिन करना चाहते हो बताओ, अपनी इच्छा से बताओ, कितना दिन क्रोध मुक्त बनना चाहते हो? एक दिन, 15 दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक महीने का जो समझते हैं एक महीने तक क्रोध नहीं करेंगे वो आप बताओ, देख लो। हाँ पक्का याद रहेगा ना, हाँ एक महीने के जो समझ के आप 15 दिन तक गुस्सा नहीं करेंगे वो हाथ उठाओ, 15 दिन वाले थोड़े से, एक महीना, कम से कम एक महीना चाहिए ना। बहुत जन्मों की आदत अपने आप नहीं जाती है,